हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप? आज तो आज हम बनाएंगे एगलेस केक, वो भी मिल्क पाउडर से। ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और क्योंकि ये मिल्क पाउडर से बना है तो टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अवन को कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने लिया है करीबन 1 टेबल स्पून हल्का गुनगुना दूध और इसमें हम डाल रहे हैं करीबन 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका। अब हम लेंगे 100 ग्राम बटर, ये पूरा एक पैकेट 100 ग्राम का ही होता है। वैसे आप अगर चाहें तो आप बटर की जगह घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को बाउल में डालने के बाद हम इस पेपर को नहीं फेंकेंगे क्योंकि इसी पेपर से हम टिन को ग्रीस कर लेंगे। बटर को यूज़ करने से पहले इसको काउंटर पे आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इससे इसको फेंटने में आसानी रहेगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। अब हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। मिक्स करने के बाद ये क्रीमी हो जाएगा, इस तरीके से व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो अब जल्दी से केक टिन को ग्रीस भी कर लेते हैं। अब हम इस मिक्सर में डालेंगे सिरके वाला दूध, आधा कप मिल्क पाउडर, ये आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 कप मैदा। हल्का सा मिक्स कर देंगे इन दोनों चीजों को। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे क्योंकि अगर एक साथ ज़्यादा सा दूध डाल दें और फिर हम इसको मिक्स करेंगे तो दूध बाहर छिटक के गिर सकता है। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बहुत ही आसान है इन इंग्रेडिएंट्स को याद रखना। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को क्योंकि केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के आता है। अब हम इसमें डालेंगे करीबन आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप फ्लेवरलेस इनो का एक सैशे डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे वाला स्टेप मैंने सबसे एंड में इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर आपको इनको स्किप करके इनो का सैशे डालना है तो आप इसको सबसे एंड में डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसको पहले ही डाल देंगे तो सारी गैस निकल जाएगी। और अब हम फाइनली पूरा का पूरा दूध एक साथ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को ओवर मिक्स मत करिएगा, ओवर मिक्स करने से टेक्सचर हमारा थोड़ा सा डेंस आता है, बाकी टेस्ट तो लाजवाब रहता ही है। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसको अपने केक टिन में डाल देंगे। बैटर को इस तरीके से काउंटर पे टैप कर देंगे और अब हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा केक बढ़िया फर्स्ट क्लास बेक होके तैयार है। तो अब हम इसको बहुत ही सावधानी से निकाल लेंगे क्योंकि इस समय केक टिन बहुत गर्म होगा और अवन भी काफी गर्म होगा। केक को डीमोल्ड करने के लिए पहले चाकू चारों तरफ इस तरीके से घुमा देंगे, इससे हमारा केक टिन से थोड़ा सा डिटैच हो जाता है। अब प्लेट को इस तरीके से रख के पलटा देंगे, हल्का सा टैप करेंगे और ये हमारा परफेक्टली बेक्ड केक तैयार है। तो चलिए इसे काट के भी दिखा देते हैं। सर्व करिएगा इसको शाम की चाय के साथ या लंच बॉक्स में या फिर सुबह नाश्ते में। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेती हूँ, फिर से मिलते हैं मंडे, वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट फ्रेश एंड एंजॉय।